दोस्तों, करवा चौथ पर्व पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरी खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां सज धज कर पूरी खुशी के साथ करवा चौथ का पर्व मनाती है और पूरे दिन निरात रहती है। रात को चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करती है, क्योंकि इस व्रत में निराहार रहा जाता है और रात्रि में भोजन करने के बाद ये व्रत पूर्ण हो जाता है। करवा चौथ व्रत से जुड़ी अनेकों कथाएं और कहानियां हिंदू धर्म में प्रचलित है, जिसके अनुसार सभी स्त्रियां इस व्रत के नियमों का पालन इस दिन करती है। लेकिन व्रत के दौरान संभोग यानी कि शारीरिक संबंध बनाने को लेकर व्रत के दौरान लोगों में काफ़ी भ्रमित रहती है और कई बार स्त्रियां उस समय असमंजस में पड़ जाती है जब उनके पति उन्हें इस व्रत के दौरान शारीरिक संबंध संभोग बनाने के दबाव बनाते हैं, या कई बार कहा जाता है कि बिना शारीरिक संबंध बनाए इस करवा चौथ के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कि करवा चौथ व्रत के दौरान लोगों को शारीरिक संबंध संभोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में संभोग यानी शारीरिक संबंध करना या सेक्स करने को पवित्रता से जोड़ा गया है, तो इसलिए व्रत चाहे कोई भी हो उसमें पवित्रता होनी ज़रूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत भी दूसरे ही व्रतों की तरह होता है। इसलिए इस व्रत के दौरान भी हम लोग सजगता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं और ये व्रत भगवान गणपति को समर्पित होता है और हमें पूरे दिन निराहार रहकर इस दिन भगवान गणेश को याद करना चाहिए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। तो हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य में अथवा किसी भी व्रत में शारीरिक संबंध बनाना अथवा संभोग करना वर्जित माना गया है। इसलिए जो नियम अन्य व्रत और उपवास में लागू होते हैं वही नियम करवा चौथ व्रत में भी लागू होते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इस दिन आपको संभोग यानी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो आपका, आपने इस दिन नहीं करना है और वीडियो में आपको आगे बताएंगे आप कब कर सकते हैं कब नहीं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो करवा चौथ व्रत में शारीरिक संबंध बनाना यानी संभोग करना मतलब पाप का भागीदारी बनना ही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत भंग होता है, क्योंकि रात्रि के दौरान 12 बजे के बाद दूसरा दिन आरंभ हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप दोनों यानी पति पत्नी का मन संभोग के लिए कर रहा है तो आप रात्रि 12 बजे के बाद शारीरिक संबंध यानी संभोग कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आपको संभोग करना ही है तो आप रात्रि 12 बजे के बाद संभोग कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। व्रत के दौरान आप संभोग न करें, पाप के भागीदारी नहीं बने। मेरी आपसे यही गुजारिश है। क्रिसमस हो या उनका कोई अन्य त्यौहार हो, इस धर्म में शारीरिक संबंध बनाने पर कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो दोस्तों, यदि आप ईसाई धर्म मानते हैं तो आप सेक्स कर सकते हैं, यदि आप इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं, कुरान गीता पर आपको विश्वास है, उसमें क्या लिखा गया है, उन सब में सच्ची बातें लिखी गई हैं, आप 12 बजे के बाद सेक्स कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपको यही मैसेज देना चाहता था कि सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे तो आपको बताना था। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें।